14 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने सामाजिक सुविधा संगम की विधिवत शुरुआत की थी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के अपने इरादों को जताया था। उसी की अगली कड़ी है जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें सुविधाओं के लिए अधिकार संपन्न करना। चौदह अगस्त 2008 को ही मुख्यमंत्री ने 15,000 वंचितों को राशन कार्ड बांटकर सरकारी सुविधाओं के लाभ से उन्हें जोड़ा था, पर कम से कम 50 लाख वंचित और भी थे जिनकी पहचान कर उन्हें मूल मानवीय सुविधाओं के लिए अधिकृत किया जाना बाकी था। निश्चय ही यह काम आसान नहीं था। कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पर अजगर की तरह फैलते महानगर दिल्ली में ऐसी अनेक अंधेरी गलियां हैं जहां कवि की कल्पना भी शायद न पहुंच पाए। बेशक वे लोग अनधिकृत अनियमित बस्तियों में रहते हों, पर क्या सिर्फ इस वजह से उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जा सकता है? अमूमन जटिल सरकारी प्रक्रियाओं की वजह से योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके पास पता ठिकाना हो, जबकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद वे हैं जो अनाम बेपता जिंदगियां जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोग जिनके सिरों पर छत नहीं, या फिर ऐसी माएं जो खुले आसमान के नीचे बच्चा जनने को मजबूर हैं। अब तक वंचितों की पहचान लोगों के आर्थिक दर्जे के हिसाब से करने का चलन था, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में आर्थिक आधार भ्रमित करने वाला हो सकता है। यहाँ ऐसे अनेक परिवार हैं जो कहने को तो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, पर उनकी माली हालत बेहद शोचनीय है। अतः हमने दिल्ली को ध्यान में रखकर जरूरतमंदों की पहचान का आधार तैयार किया। हमने लोग की आर्थिक स्थिति को आधार न बनाकर उनकी रिहाइश, आजीविका और सामाजिक स्थिति को पैमाना बनाया। अब हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी थी जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। वे लोग जिनकी न तो सुनवाई है न सिफारिश। अतः यह इंतजार फिजूल था कि वे हमारे पास आएं और अपनी हालात की दुहाई दें। हमें स्वयं उनके दरवाजों पर जाकर उन्हें उनका न्यायोचित अधिकार देना होगा। हम उन्हें भिखारी नहीं अधिकारी बनाना चाहते हैं, मानवीय तथा मूलभूत सुविधाओं का अधिकारी। जो योजनाएं उन्हें ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उनका लाभ भी तो आखिरकार उन्हें मिलना चाहिए। जिनके दम पर विकास है, विकास का दम भी उन तक पहुंचना ही चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर हमने सर्वेक्षणकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार की जो मोहल्ले मोहल्ले जाकर ऐसे तमाम लोग को ढूंढ निकाले जो अब तक अमानवीय जिंदगियां गुजारने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सर्वेक्षणकर्ता उसी समुदाय के अंग हैं जिनका उन्हें सर्वेक्षण करना है। अतः वे स्थानीय लोग तथा हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं। इस तरह सर्वेक्षण पर किए जा रहे खर्च का एक बड़ा भाग उस तबके को रोजगार भी दे रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर तथा 80 जेंडर रिसोर्स सेंटर शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों से इकट्ठा किए गए आंकड़ों को अच्छी तरह से जांच परख कर आंकड़ा कोष तैयार करने का काम अस्पताल के सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है, जिसका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन यूनिट सुंदर नगरी की सेंट स्टीफेंस डिस्पेंसरी में है। जेंडर रिसोर्स सेंटर के कार्यकर्ता इस सर्वेक्षण की बुनियादी इकाई हैं, जो गली गली घर घर जाकर सुनिश्चित करते हैं कि कोई वंचित छूट न जाए।
डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर अपने अपने जिलों के जेंडर रिसोर्स सेंटर तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच तारतम्य बनाने का काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धों की पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, ये सब लोगों के अधिकार हैं। ये लोगों को कोई लाभ नहीं है। जब अधिकार हैं तो ये लोगों तक पहुंचाया जाना भी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मिशन को सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिशन उन लोगों को जान सके कि किन तक वो उनके अधिकार पहुंचाने हैं। इसके तहत ये सोचा गया कि एक ऐसा सर्वे किया जाए जिससे हम सभी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान कर सकें, उनके नाम पते और उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, किससे वो वंचित हैं, ये सब की जानकारी हम ले सकें। लोगों में इस योजना के प्रति रुचि और जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जाता है। मैं बूढ़ा हो जलाऊं, मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल बनाना चाहती हूँ। अगर हमें इतनी जानकारी ना भी जागरूक हमें इतनी जागरूकता हो, हमें पता हो हमारे लिए किस सारी सुविधाएं, तो हमें इनके आगे धक्के ना खाने पड़े। अब इन सब परेशानियों से छुटकारा दिलाइए हमें सामाजिक सुविधा संगम। सामाजिक सुविधा संगम? ये क्या बला है भाई? ये क्या बला है? सामाजिक सुविधा संगम ये कोई बला नहीं है। लोगों को सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देने के बाद सर्वेक्षणकर्ताओं का एक दल मोहल्ले में जाकर वहाँ के हरेक घर को नक्शे पर डालता है। फिर इस नक्शे को आधार बनाकर एक अन्य सर्वेक्षण दल उन घरों में रहने वाले लोगों का ब्यौरा तैयार करता है। ऐसे ब्यौरे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर से होते हुए सेंट्रल कोऑर्डिनेशन यूनिट पहुंचते हैं। इस तरह कई नज़रों से परखे जाने के बाद ही यह ब्यौरा आंकड़ा कोश का अंग बन पाता है। सरकारी स्तर पर सामाजिक सुविधा संगम के संचालन मंडल का अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव को बनाया गया है, जबकि इसके कार्यक्रम संचालन इकाई का मुखिया मिशन डायरेक्टर है। हरेक जिले में उपायुक्त को इस परियोजना का मुखिया बनाया गया है, जो उस जिला विशेष में परियोजना के सफल संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। सचिव स्तर के अधिकारियों को एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया है। वंचितों को पहचानने का यह काम अब अपने दूसरे दौर की समाप्ति पर है। पहले दौर में हम 5.5 लाख परिवारों तक पहुंचे थे, जबकि दूसरे दौर में हम और 2,90,000 परिवारों तक पहुंच चुके हैं। अब तक हमने 40 लाख लोगों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और हमें विश्वास है कि तीसरे दौर की समाप्ति तक हम 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। इन सब के बावजूद हम जानते हैं कि सामाजिक सुविधा संगम का मूल उद्देश्य अब भी दूर है। हमने अभी सिर्फ वंचितों की पहचान के काम को ही आगे बढ़ाया है, उन्हें अधिकार संपन्न करने की दिशा में अभी काम किया जाना शेष है। फिर भी हम कह सकते हैं कि हमने लोगों में मात्र पर्चियां ही नहीं बांटी हैं, उनमें नई आशा का संचार भी किया है। जो अब तक लाडली से लेकर वृद्धा पेंशन, ममता से लेकर जननी सुरक्षा योजना, निर्माण मजदूर कल्याणकारी योजना से लेकर स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का लाभ पाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की दौड़ लगाते लगाते हताश हो चुके थे, उन्हें उम्मीद बंधी है कि सामाजिक सुविधा कार्ड उन्हें वह अधिकार दिलाएगा जो उन्हें उनके अमानुषिक जीवन से निजात दिला सके।